नहीं, मेरा ज्ञान और परिज्ञान से मैं ये देखता हूँ, मोबाइल को मोबाइल से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्विसेज इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। और वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, हमारा साथ मोबाइल ना हो 10 मिनट हम नहीं रख सकते हैं। जो कांग्रेस अध्यक्ष अपना पार्टी चला रहा हो उनके लिए बहुत जरूरी होता है नंबर वन। जहाँ तक ये सरकार का अपनी नीयत की सवाल है, अपनी जो 5 साल आने वाला 5 साल की जो बात आप कह रहे थे बड़े ठोक करके, ये अपनी 5 साल पहले इनको समझ ले जो 5 साल गया हुआ है, 5 साल का क्या था, क्योंकि देश की चुनाव हुई थी डिफेंस एंड डिप्लोमेसी के ऊपर, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट पे नहीं हुआ था। तो इस बात को ज्यादा उजागर करना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। इसमें अंदर ऐसा कोई बात नहीं थी, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं था जिसके कोरिलेशन आप बहुत ज्यादा जोड़ना चाह रहे थे। एक मिनट के अंदर आपने अपनी बात खत्म कर दी सर, पूरा 1 मिनट का समय भी आपने नहीं लिया। लेकिन अमित मालवीय साहब, मैं ये समझना चाहती हूँ कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसका अध्यक्ष, वो भी तब जब देश को राष्ट्रपति संसद में पहुंचकर संबोधित कर रहे हैं, उस वक्त अगर मोबाइल चेक कर रहा है तो इससे क्या संदेश जाएगा अमित मालवीय? 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए रोमाना जी, राहुल गांधी जब राष्ट्रपति अपना भाषण कर रहे थे उस वक्त करीब आधा घंटा अपने मोबाइल पर लगे रहे, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात वो अपने मोबाइल फोन में देख रहे थे जो राष्ट्रपति के भाषण से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। वहां पे तमाम और नेता बैठे थे, देश के प्रधानमंत्री बैठे थे वहां पे, बाकी संवैधानिक पद पे जो आसीन है वो नेता बैठे हुए थे, लेकिन सब राष्ट्रपति के भाषण को सुन रहे थे और राहुल गांधी मात्र अपने मोबाइल फोन पर लगे हुए थे। जैसा कि किसी ने बताया वहां पे इंटरनेट नहीं चलता, तो क्या वो अपने मोबाइल फोन पे वीडियो गेम्स खेल रहे थे, क्योंकि उसी के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी इतने ऊंचे पद पर जहां वो आज बैठे हैं वहां बैठकर इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं, जहां पे राष्ट्र के प्रेसिडेंट का जो अपमान हो ऐसा प्रतीत हो। ये ठीक है सर, 1 मिनट हो गया जी, एक मिनट हो गया सर। जब मैं बहस खोलूंगी तो दोबारा आपके पास आऊंगी। अब मैं विकास गुप्ता जी का रुख करती हूँ, और विकास गुप्ता जी, अभी तक जो मेहमानों ने बात कही है उसी में से सवाल निकालकर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि देखिए, जहां पर राहुल गांधी मौजूद है वहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण से ज्यादा और कुछ महत्वपूर्ण हो नहीं सकता था। जहां पर राहुल गांधी मौजूद थे वहां पर देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा और कोई उस वक्त व्यस्त हो नहीं सकता था। और इस सबके बीच राहुल गांधी सबको नजरअंदाज करते हुए क्या कर रहे हैं? उनके हाथ में मोबाइल है और वो लगातार अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। ये सही था रुमाना जी? देखिए, शुरुआत में जैसे अमित जी ने कहा कि इसमें राष्ट्रपति का अपमान है, मैं उस बात से सहमति नहीं रखता। मैं अवश्य ये भी कहना चाहूंगा कि अगर राहुल गांधी जी का ध्यान भटका वो भी बात सही नहीं थी, क्योंकि जहां राष्ट्रपति का अभिभाषण था तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, और मूलभूत विपक्ष के नेता के हैसियत से, एक लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से उनकी और जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो उसको ध्यान से सुनते। लेकिन आज खाली ये सिर्फ एक मुद्दा बन जाए देश में, जहां पर राष्ट्रवाद के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया, और अगर राष्ट्रपति ने पिछले दिनों में 170 बच्चों की जो जाने गई बिहार में, अगर उसके बारे में नहीं कहा और सिर्फ राष्ट्रवाद और हिंदुत्वता के बारे में, जिसके मुद्दे पर ये इलेक्शन 2019 का लड़ा गया, तो मुझे लगता है क्योंकि आफ्टर ऑल राष्ट्रपति का भी अभिभाषण जो केंद्र की सरकार की नीतियां हैं उसी को बढ़ाते हुए। एक मिनट हो गया सर, सवाल इसी वजह से तो पूछ रहे हैं, चर्चा भी इसीलिए करने के लिए बैठे हैं कि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक राजनीति कैसे करेंगे। विपक्ष में है, उन्हीं नीतियों में से तो कुछ ढूंढ कर लेकर आना है, उसी के तो पक्ष विपक्ष में स्टैंड लेना है, तो कम से कम सुन तो लेते बैठकर। उस वक्त सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं, इसी वजह से एबीपी न्यूज ये मुद्दा लेकर आया दर्शकों के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं प्रोफेसर संगीत रागी का रुख करूंगी। प्रोफेसर संगीत रागी, आपने सुना विकास गुप्ता जी कह रहे हैं मुद्दा नहीं मानना चाहिए इसको, अपमान नहीं मानना चाहिए इसको, क्यों? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मामला है, इसको बहुत ऐसे ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को वो संबोधित कर रहे होते हैं, और अतीत में क्या हुआ है और भविष्य की रूपरेखा इसमें बताई जाती है, तो स्वाभाविक है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उनको धन्यवाद प्रस्ताव भी इनको करना होगा।
तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी क्या बोलेंगे यदि वो उसको ध्यान से वो सुनते ही नहीं है। दूसरा मेरा एक आरोप है कि राहुल गांधी संसदीय शिष्टाचार और संसदीय मर्यादा के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, संसद के प्रति वो गंभीर नहीं रहे हैं। ये कोई भी बहस गंभीर मुद्दे रहा हो वो संसद से अनुपस्थित रहते, बजट का मामला हो कोई और भी बहुत गंभीर मामला हो उससे अनुपस्थित रहे। दूसरी बात, आपने बजट आपने देखा कि संसद के अंदर जाकर के आंख मारना, ये सब चीजें जो होती हैं, आपने जब देखा था जब वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो कैबिनेट के नोट्स को फाड़ देना, तो ये सब चीजें ये दिखाती हैं कि वो संसद के प्रति गंभीर नहीं रहे। एक मिनट हो गया, मैं डॉक्टर शास्त्री आपके पास आ रही हूँ, आपने सुना सब पैनलिस्ट को, अब मैं चर्चा खोल रही हूँ सर। और मेरा सवाल ये जो यहाँ पर डॉक्टर संगीत रागी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब संसदीय शिष्टाचार संसदीय परंपरा का पालन नहीं करते राहुल गांधी, और उसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ सर, कल जिस तरीके के हाव भाव राहुल गांधी के नजर आए कि लगातार मोबाइल था, जैसे मेरे हाथ में मोबाइल है और राहुल गांधी थे, मतलब आप कहीं पर मौजूद हैं, आपको उस जगह की गरिमा का लिहाज रखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि एक संसदीय परंपरा है, सुप्रीम कमांडर देश का संसद में मौजूद है, वो आपसे बात कर रहा है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान लगातार मोबाइल में है। अच्छा, दूसरी बात, वो जो बॉडी लैंग्वेज थी राहुल गांधी की, इस तरीके से वो हाथ रखकर फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे और हाथ ऐसे रखकर पूरा सोफे पर ऐसे पहली सीट पर बैठे हुए, बड़ा अनमना सा अंदाज नजर आ रहा था। आखिरकार राहुल गांधी का क्या दिल नहीं लगता है क्या राजनीति में, करना नहीं चाहते हैं क्या राजनीति? संदेश क्या देना चाह रहे थे राहुल गांधी कल अपने इन हाव-भाव से? डॉक्टर शास्त्री देश को बताइए। 200 बच्चे मर गए थे और सरकार अपनी तरफ से पहली बार राष्ट्रपति महोदय से भाषण दे रही थी। राष्ट्रपति का भाषण नहीं है, ये सरकार का लिखा हुआ है भाषण था जो ज्वाइंट सेशन में प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे थे। नहीं तो वहाँ अभिभाषण के समय बैठकर राहुल गांधी क्या वो जो बच्चे बिहार में मरे हैं उस पर आर्टिकल लिख रहे थे क्या वहाँ पर बैठकर? आपने राष्ट्रपति का अभिभाषण आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं? आप तर्क के साथ बात रखिए ना सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जो कहना है, वहाँ पर राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा है और आप बच्चों की बात लेकर आ रहे हैं राहुल गांधी के डिफेंस में। बच्चे मर गए, राहुल गांधी गए क्या एक बार भी बिहार? 200 बच्चों के मौन तो रखते हैं, 200 बच्चों के मौन तो, 2 मिनट के मौन कहाँ है, वो कहाँ थे? और दूसरी बात, जहाँ तक राहुल गांधी उनके अपने उनके ज्ञान और परिज्ञान ऐसा कहता है कि मोबाइल को देखने के लिए, तो उन्हीं तक सीमित करिए। वो पूरा देश को संदेश क्या जा रहा है? देश का संदेश ये जा रहा है 200 बच्चे मर गए थे, वो संदेश जा रहा है देश की, संदेश जा रहा है ये 32 फ्लाइट गिर गई थी वो देश है। राहुल गांधी का कोई संदेश नहीं जाता है और मोबाइल फोन को लेकर के इस तरीके से, मोबाइल फोन हमारा जिंदगी में, आप आधा घंटा छोड़ करके देखिए, आप छोड़ सकते हैं क्या? सर एक घंटे का शो कर रही हूँ मैं तो अपने शो में आपकी जगह आपसे बात करने के बजाय मोबाइल में नहीं लगी हुई हूँ, मैंने तो मोबाइल साइड में रखा हुआ है सर, मैं तो मोबाइल साइड में रखकर बात कर रही हूँ आपसे। आप भी यहाँ पर मोबाइल छोड़कर बैठ कर मुझसे बात कर रहे हैं? नहीं, आप जो आधे घंटे वाला मुझसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रही हूँ डॉक्टर शास्त्री, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। आपने जो पॉइंट उठाया वो मैं लेकर चलती हूँ अमित पांड्या के पास। अमित मालविया, ये एक नया तर्क डॉक्टर शास्त्री लेकर आ रहे हैं कि बिहार में बच्चे मर गए थे, राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था, अब राहुल गांधी क्यों बिजी थे? ये वो कह रहे हैं क्योंकि उन्हें शायद पसंद नहीं आया कि मौन नहीं रखा गया, उन्हें ये पसंद नहीं आया कि अभिभाषण में बिहार के बच्चों का जिक्र नहीं हुआ, इस वजह से राहुल गांधी जो है वो मोबाइल खेलने में बिजी। राष्ट्रपति के भाषण नहीं थे, बड़े बड़े बात मत कहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बिफोर बजट सेशन, वो बहुत ही दुखद है और इस पे पूरी देश ने चर्चा करी और चिंता व्यक्त करी। लेकिन जो राष्ट्रपति का भाषण था वो केंद्र सरकार की उपलब्धियों पे और केंद्र सरकार आगे क्या करने वाला है उसकी एक रूपरेखा थी। चलिए, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थकों को ऐसा नहीं लगता कि इससे राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, लेकिन कम से कम जिस जनता ने आपको चुनकर वहाँ पार्लियामेंट पे भेजा और आपको ये दायित्व दिया कि आप सरकार के कामकाज पे सवाल उठाएं, क्योंकि आज आप विपक्ष में हैं, तो क्या राहुल गांधी का ये दायित्व नहीं बनता कि वो सुने कि राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं और उस पे उनकी क्या टिप्पणी है, क्या प्रतिक्रिया है? लेकिन राहुल गांधी
हमेशा सार्वजनिक जीवन को लेकर बहुत ज्यादा रुचिकर नहीं दिखे मुझे। वहां उनके मुख्यमंत्री उनके साथ बैठे हुए थे और ये अपने मोबाइल फोन पे लगे हुए थे, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक तो डिस्ट्रैक्शन से ग्रस्त है और दूसरी तरफ उनका राजनीति में मन नहीं लगता। लेकिन इसका पूरा खामियाजा इस देश को उठाना पड़ रहा है क्योंकि वो आज भी कांग्रेस जैसी पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं। क्योंकि विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की एक बड़ी जिम्मेदारी है और राहुल गांधी जब ऐसे अहम मौकों पर सार्वजनिक जीवन पर इस तरीके के हाव भाव के साथ नजर आते हैं तो ये क्या संदेश जनता में नहीं जाएगा कि साहब ये इनकी गंभीरता है? खुद राहुल गांधी के लिए, खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए क्या ये तस्वीरें मनोबल तोड़ने वाली साबित नहीं होंगी सर? क्योंकि राहुल गांधी इस तरीके से जब नजर आते हैं तो वो उस बात को साबित करते हैं कि हाँ इनका तो मन ही नहीं लगता राजनीति में, तो राजनीति करने ही नहीं चाहते। आप हाव भाव देखिए सर, मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं है। देखिए दो चीजें रुमाना जी सामने आती हैं कि अगर राहुल गांधी किसी कारणवश अगर उस मोबाइल पे, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि जहां सार्वजनिक है पार्लियामेंट है 12 अगर कैमरे लगे होंगे तो 11 कैमरे विपक्ष के लोगों पे होते हैं, होने भी चाहिए, अच्छी बात है, फुल कवरेज मिल रही है। क्या मोबाइल पे देखना उतना महत्वपूर्ण है या राष्ट्रपति के अभिभाषण में पुलवामा में जो 14 फरवरी को हुआ उसके उसमें 40 जवान शहीद हुए, उससे ज्यादा तादाद 14 फरवरी के बाद सैनिक और अर्धसैनिक बल के हमारे जवान शहीद हुए, क्या उसका एक भी मेंशन था अभिभाषण में? इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।